टोंक में नेशनल हाईवे के पास स्थित एक होटल के पास हुआ महुआ निवासी व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में आज ट्रैक्टर पर सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और मृतक के घर वालों को 50 लाख का मुआवजा और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग कलेक्टर से की। साथ ही एसपी से मिलकर मामले में जल्द खुलासा कर आरोपियों को सलाखों के पेचों पहुंचाने की मांग की है। नवभारत समाचार टोंक राजस्थान से केशवराज सेन की रिपोर्ट। सर जी, उनके 4 बच्चे हैं और 1 बच्ची है। परिवार की पालन पोषण करने वाले वो खुद थे, वो भी दिहाड़ी मजदूर थे, रोजाना कमाते थे, रोजाना खाते थे। हम 2 दिन से भूखे हैं, घर में खाने का अनाज नहीं है और ये प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमें गुमराह कर राजनीति खेली जा रही है। इसमें राजनीति चल रही है। इसमें पहले 24 घंटे का टाइम दिया था, जितने गांव वालों ने राजनीति खेली 5 दिन बता दिया पुलिस वालों को, तो वह नींद में सो गए पुलिस वाले तो। और 5वां दिन भी आज हो गया, कुछ कार्रवाई नहीं हुई है ना। वो जहाँ होटल पे मर्डर हुआ था उसके इतने पैसे जाते हैं कि उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। वो 1 मिनट के लिए भी उसको सील नहीं किया गया, सबूत भी नष्ट करवा दिए गए वहाँ पे। क्या मांग लेकर आए हो? मेरी मांग यही है, मेरी मांग ये है कि हथियारों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करो और फांसी की सजा दी जाए। 1 बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनको 1 बच्चे को सरकारी नौकरी दी जाए और 50 लाख का मुआवजा और उनका संपूर्ण जो उनके ऊपर कर्जा था वो संपूर्ण कर्जा सरकारी कर्जा माफ किया जाए। गुजर संडिला जिलाध्यक्ष गुजर समाज टोंक। किस तरह का नाराजगी है समाज में? आज पूरा जिला गुजर समाज की ओर से जिला कलेक्टर महोदय और हमारे एसपी साहब को ज्ञापन दिया गया, क्योंकि हमारे महुआ निवासी गोपाल गुजर की 8-10 जनों ने निर्मम हत्या कर दी गई है। आज 6 दिन हो गए उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। इस संबंध में क्या नाम से काफ़ी ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है कि उनको हत्यारों को अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए ताकि क्या नाम से एक गरीब किसान को न्याय मिल सके। तो इस संबंध क्या नाम से आप जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब को ज्ञापन दिया गया कि मृतक परिवार को 1 व्यक्ति को क्या नाम से सरकारी नौकरी दी जाए और 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि मृतक परिवार 1 गरीब आदमी है, ताकि सरकार तरफ से उनको मुआवजा दिया जाए ताकि उनके 4 बच्चे उनकी आर्थिक स्थिति हो सके। धन्यवाद। जो महुआ को 22 तारीख को एक रात्रि को जो मर्डर हुआ था, तो महुआ के निवासी आज आए थे कि उनका आगे भी पुलिस है, इनको जो मांग करी थी उन्होंने 22 तारीख 27 तक का टाइम गांव वालों ने दिया था पुलिस के लिए, उसके मुलजिम की गिरफ्तारी करने के लिए। तो आज ग्रामीण लोग आए थे, उनकी एक तो पुलिस जल्दी से जल्दी मुलजिम को अरेस्ट करे और दूसरी इनकी जो मांग थी वो एक नौकरी दी जाए किसी भी आश्रित को और 50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। इस संबंध के अंदर जो पुलिस गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है, पुलिस ने जो मुलजिम हैं उनका आइडेंटिफिकेशन किया है और पुलिस की टीमें लगातार लगी हुई हैं। हमारा पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, हमने स्पेशल टीमें बना रखी हैं, टेक्निकल एविडेंसेज ले रहे हैं। हमारी टीमें संदिग्ध इलाके के अंदर हैं जहां मुलजिम हो सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि मुलजिम को जितना जल्दी हो सके, हम इसको प्राथमिक आधार पर ही वर्क कर रहे हैं, हम जल्दी जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर पहचान होगी तो कौन लोग हैं, कहां से? पहचान हुई है लेकिन मुलजिमों ने फ़ोन है उनके बंद हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशन के आगे हम बहुत ज़्यादा आपको डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे चीज़ें। हम हमारी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं, हम इसको प्राथमिक आधार पर ले रखा है, हमने थाना पुलिस लगा रखी है, हमने DSP लगा रखी है, हमने सारी टीमें लगा रखी है। हम जितनी जल्दी होगा उतना जल्दी ट्रेस करेंगे। कुल कितने आरोपी पहचान की गई? कुल 7-8 आरोपी हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन से तय होगा कि आरोपी बढ़ते हैं या कम होते हैं, ये चीज़ें जितना शीघ्र मुलजिम आएगा उससे। और जो मांग इनकी अदर मांग है वो कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। इनकी मांग को जो भी न्यायोचित मांग होगी जो कलेक्टर महोदया और एसपी साहब जो भी कर पाएंगे सरकार को भेजने, जो भी है आश्वासन दिया इन्होंने आगे की कार्रवाई करने का।